नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। इलाज के दौरान भागलपुर के लाल सीआरपीएफ के जवान की हुई मौत। बरारी घाट पर सीआरपीएफ के जवान के द्वारा दी गई सलामी के साथ हुआ उनका अंतिम संस्कार। भागलपुर इशाकचक थाना क्षेत्र अंतर्गत भिकनपुर गुमटी नंबर 12 वार्ड नंबर 34 के बुनियादी स्कूल के पास का रहने वाला सीआरपीएफ का जवान सूरज कुमार को भेल्लोर में इलाज के दौरान हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। सीआरपीएफ के जवान सूरज कुमार की मौत की खबर सुनते ही पूरे शहर में मातम का माहौल छा गया। मालूम हो कि मंगलवार को देर रात उनका शव भिकनपुर स्थित उनके आवास पर पहुंचा और आज सुबह शव यात्रा शहर में निकाली गई और बरारी शमशान घाट पर उनकी अंत्येष्टि की गई। वही मुखाग्नि उनके बेटे अभिजीत कुमार ने दी। उन्हें सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा सलामी देकर अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों के मुताबिक सूरज जम्मू कश्मीर के एलओसी पर तैनात थे। कुछ ही दिन पूर्व उनका ट्रांसफर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुआ था। वो बीएसएफ नंबर 152 बारगोहरा असम इंडिया के हवलदार के पद पर कार्यरत थे। 12 तारीख को 2 बजे वेल्लोर में वो लोग थे और सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन उसके बाद अचानक से वो आए। वो कहते हैं ना कि अगर मौत लिखी हुई है तो वो हो ही जाती है। सब चीज़ से बच गए थे। बहुत कुछ हुआ था पिछले 2 महीना में, जॉन्डिस, फिर हेमोग्लोबिन की कमी, सब कुछ, लेकिन लास्ट में कार्डियक अरेस्ट आ गया, इस कारण से उनकी उसी समय मौत हो गई। आप लोग को कब सूचना हुई थी? जी, मैं माउंट एसीसी स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 12th में। मैं स्कूल से आ ही रहा था और मुझे अचानक से घर पे जैसे मैं पहुंचा तो मुझे आवाज़ आया कोई रो रहे हैं, तो मुझे लगा कुछ आशंका है कि कुछ हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं लगा था ये हुआ होगा। 2 बजे पता चला कि ऐसा हुआ है, कंफर्म हुआ 4 बजे कि पापा हमें छोड़ के चले गए। मेरा नाम अभिजीत कुमार। कौन थे? मेरे पापा। क्या नाम हुआ? सूरज कुमार। किस बटालियन में थे? 152 बटालियन। कहाँ पोस्टेड थे? लास्ट पोस्टिंग उनका था जम्मू कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान बॉर्डर थे। ये घटना, ये सीआरपी के अंदर में 2000 के भर्ती थे और ये करीब 5 बटालियन इन्होंने अपनी यात्रा सफ़र करके ये 6th बटालियन में जा रहे थे, 152 से 85 बटालियन के अंदर में। जब 85 बटालियन से इनको जेपी मिला था, जर्निंग पीरियड के दौरान था, उसी अचानक जैसे अपने नियरेस्ट स्टेशन में जब उतरे तो उनको अचानक ही बीमार पड़ गए, हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक होने के बाद हमने इनकी सूचना 152 को दिए तो उन्होंने बोला, उन्होंने हमारे साथ में क्या बोले कि ये तो छुट्टी पर है, जबकि छुट्टी नहीं है, ये ओनली ये है जेपी के अंदर में थे, सरकारी ड्यूटी माना जाता है जेपी। इन्होंने इतना इनके ऊपर केयर नहीं किए। उसके बाद मैंने इनकी सूचना 85 किया, ये उन्होंने ये भी नहीं सुना। 85 वाले सुन के तब फिर उन्होंने क्या MHA को जैसे ये किए, तब पूरा पूर्ण रूप से कार्रवाई होना शुरू हो गई।